आइए आज हम अपनी हिंदी की पाठशाला की ओर बढ़ते हैं। मैं अंजू तिवारी, आपकी हिंदी की टीचर। आज फिर से हम एक बार प्रस्तुत हैं अपने नए टॉपिक और नए स्टैंजा को लेकर के। चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सूरदास जी का पद है और ये तीसरा अवतरण है, तीसरा स्टैंजा जो है, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। ये है लिखा हुआ आपका अवतरण। आप देखिए इसमें एक बार फिर से गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी को अपनी बातों के जाल में उलझा करके उनको एक बार फिर से निरुत्तर कर देती हैं और उनका जो लाया हुआ संदेश है उसको जो है ग्रहण ना करके उसमें अपनी अरुचि प्रकट करते हुए उनको समझाती हैं। देखिए वो क्या कह रही हैं, जितनी भी ग्वाल बालाएँ हैं वो कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी मतलब होता है लकड़ी, हमारे हरी हारिल। अच्छा, इसमें ह अक्षर जो है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हमारे हरी हारिल ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार है। और हमारे लिए जो हरि है अर्थात श्री कृष्ण है, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे लिए जो हरि है वो हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है। ये जो हारिल है इसके बारे में पहले आप जानें कि ये एक प्रकार का ऐसा पक्षी है जिसकी इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने पंजे में एक लकड़ी हमेशा फंसाए रखता है, ये उस लकड़ी को किसी भी दशा में या स्थिति में छोड़ता नहीं है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए जो हरि हैं वो एक प्रकार से हारिल, जैसे पक्षी अपने पैरों में अपने पंजे में लकड़ी फंसाए रहता है, उसी तरह हम श्री कृष्ण को कभी अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए हारिल पक्षी के जो है पंजों में फंसाए हुए लकड़ी के समान ही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी कि हम मन से, क्रम यानी कर्म से, वचन से नंद नंदन श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, क्योंकि नंद बाबा के वो पुत्र थे। और मतलब होता है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि हम श्री कृष्ण को बड़ी ही दृढ़ता या मजबूती के साथ जो है पकड़े हुए हैं। यानी कि हम अपने मन क्रम कर्म से वचन से जो श्री कृष्ण हैं उनको उनको दृढ़ता के साथ पकड़े हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा फंसाए रहता है, किसी भी स्थिति में वो उसको छोड़ता नहीं है या गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। फिर जागत सोवत स्वप्न दिवस, दिवस मतलब होता है दिन, निसी जो है वो रात का पर्यायवाची है। कान कान जकरी, जकरी मतलब जपना, यानी कि किसी को बार बार बुलाना। और जागत सोवत, ब्रजभाषा है ये, सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और ये सूर सागर जो ग्रंथ है उसी का ये अवतरण है, वहीं से लिया गया है। तो ब्रजभाषा है जागत यानी कि जागते हुए, सोवत यानी कि सोते हुए, स्वप्न यानी कि चाहे वो स्वप्न हो सपना हो, और निसी रात्रि में हम क्या किस चीज़ की रट लगाए रहते हैं, किसको जपते हैं, कान्हा कान्हा जपते हैं, यानी कन्हैया कन्हैया ही बुलाते हैं। चाहे जागते सोते
रात हो या दिन हो, हम केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, वही हमारे आराध्य देव हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अच्छा बच्चों, जैसे आपने कभी सलाद आप खाते ही होंगे, तो जब भी आप सलाद खाइए तो उसमें कोई ककड़ी या खीरा जो है अगर कड़वा निकल जाता है तो उससे मन खराब हो जाता है, और अधिकतर जो जड़ वाले फल होते हैं ये कभी कभी कड़वे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि ऐसा लगता है मानो ये जो आपने योग का संदेश हम लोगों के लिए लेके आया है, यानी आप जो ये योग का संदेश लेके आए हैं, ये मानो कैसा लग रहा है, मानो करुई यानी कि कड़वी। करुई मतलब क्या होता है? कड़वी। ककड़ी मतलब कड़वी, ककड़ी के समान है। यानी आपके द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म योग का संदेश लाया गया है वो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको कि गले से नीचे नहीं उतारा जा सकता। और सु यानी यह, तो व्याधि, व्याधि क्या कहा जाता है? बीमारी को, यानी कोई रोग। व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यानी यहाँ पे बच्चों जो व्याधि है यानी कि बीमारी, इसको गोपियाँ क्या कह रही हैं कि ऐसा लगता है मानो तुम तो मेरे लिए क्या लेके आ गए हो, एक बीमारी लेके चले आए हो। अब ये बीमारी जो है ये शारीरिक रूप से बीमारी नहीं है, अपितु या मानसिक बीमारी यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं, क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो किसकी भक्ति करती थी? श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में वो त्याज नहीं करना चाहती। तो इन लाइन में वो बेहतरीन उदाहरण देकर ये प्रस्तुत करती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि उद्धव तुम तो हमारे लिए क्या लेके चले आए हो, एक बीमारी लेके चले आए हो। एक प्रकार से ये मानसिक बीमारी है जो कि हमारे जो संतुलन है इसको क्या कर रही है, बिगाड़ रही है। और देखी सुनी ना करी यानी कि ऐसी बीमारी है ये जिसको कि हमने आज से पहले कभी ना देखा है न सुना है, और न कभी इसको व्यवहार में हमने अपनाया है। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अच्छा, यहाँ पे योग बार बार आ रहा है, योग का संदेश लेके आए हैं। तो अच्छा, अब आप ये बताइए बेटा कि योग यानी योगा आप क्यों करते हैं? मेडिटेशन वो करने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो मन है उसको एकाग्र करने के लिए। जैसे कि आपका मन क्या है? चंचल है। वो श्रीमद् भागवत गीता में संस्कृत में श्री कृष्ण जी ने एक श्लोक कहा है मन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है? कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम मनये इव वायु सुदुष्करम। इसका कहने का आशय क्या है कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चंचलम ही मनः कृष्णा, अर्थात जो मन है वो बहुत चंचल है, इसको वश में करना यानी इसको नियंत्रित करना मानो वायु को वश में करने के समान है। आप हवा को अब कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो अलग बात है कि आप हवा को जो है गैस को गुब्बारे में भर दीजिए तो वो एक प्रकार से कैद हो गया, ठीक है, उसको आप नियंत्रित कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो है प्राकृतिक रूप से आप कभी भी हवा को कैद नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है कि मन की गति जो है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो मनुष्य का मन जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। अब यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ, जहाँ नीचे सूर लिखा है इसका मतलब जब आप भावार्थ एक्सप्लेन करेंगे तो आप नीचे की लाइन में पंक्ति में लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ या ग्वाल बालाएँ उद्धव जी से क्या कहती हैं कि ये अपना जो तुम योग का संदेश लाए हो इसकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं है, अपितु या बल्कि ये तुम उनको जाके सौंपो, मतलब अपना ये जो ज्ञान लाए हो ये उनको जाके दो जिनके मन कैसे हैं, जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन क्या है, चंचल हैं, जो चक्री जो है चक्री के जर से घूमते रहते हैं, यानी जिनमें
श्री कृष्ण के प्रति आस्था नहीं है, मन में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है जिनके हृदय में, और जिनका मन जो है वो चक्री के समान घूमता रहता है, ऐसे लोगों को अपने इस योग साधना का संदेश जाकर दो। हमको इस प्रकार के संदेश या ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बस इस स्टैंजा का यही अर्थ है। देखिए बच्चों, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हमारे लिए तो हरि जो है श्री कृष्ण वो हारिल पक्षी के पंजों में जो फंसी हुई लकड़ी के समान है। अर्थात हम किसी भी परिस्थिति में या किसी विपरीत परिस्थिति में इनका त्याग नहीं कर सकते, अर्थात इनको त्याग नहीं कर सकते। और हम अपने पूरे मन से, वचन से, कर्म से ये नंद बाबा के जो नंदन है अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनको अपने हृदय से, उर मतलब होता है गला कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, कि उनको अपने हृदय से थामे हुए हैं या बड़ी ही दृढ़, मतलब दृढ़ता या मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। और जागत सोवत स्वप्न, यानी जागते सोते, स्वप्न में, सपने में, दिन में, रात्रि में हम कान्हा कान्हा ही बुलाते हैं या कान्हा कान्हा ही रटते हैं। सुनत जोग लागत है। हे उद्धव, आपके द्वारा लाया गया यह संदेश जो योग का संदेश है वो ऐसा लगता है कि मानो कड़वी ककड़ी के समान है। और सूतो व्याधि हमको ले आए, ऐसा लगता है कि मानो ये आप हमारे लिए एक बीमारी ले आए हैं, एक रोग ले आए हैं, जिसको कि हमने आज के पहले ना कभी देखा है, ना सुना है और ना कभी इसके बारे में जाना है। और यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि ये योग का जो संदेश है, जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, ये आप उनको जाके सुनाइए या उनको दीजिए जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं, यानी कि जिनके मन या हृदय पे उनका स्वयं नियंत्रण नहीं है, स्थिरता नहीं है, उन्हीं को आप अपना ये योग का संदेश सुनाइए। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो है पैराग्राफ अवतरण, इसका अर्थ यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।